राम मंदिर जाने का एकदम सीधा रास्ता है, आप सीधा आगे बढ़ते जाइए, पैदल भी जा सकते हैं और आपको मंदिर वगैरह दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सामने देखिए मंदिर दिख रहे हैं, पुराने पुराने मंदिर, और बस जिधर जिधर मंदिर है उधर उधर आगे आगे आपको बढ़ते जाना है और वो आपको लेकर चला जाएगा जो नया वाला राम मंदिर बना है वहाँ पे। और यहाँ पे राम मंदिर बनने के बाद काफ़ी डेवलपमेंट चल रहा है, जैसा कि टूरिस्ट लोग आ रहे हैं तो अयोध्या को काफ़ी फायदा होने वाला है इससे। देख सकते हैं आप पूरा चौड़ीकरण हुआ है। देखिए आसपास का जो होटल है ये रेस्टोरेंट है, घर जैसा खाना मिलेगा आपको यहाँ पे, और चारों तरफ भक्तिमय नज़र आएगा आपको। और वो रहा सामने मेन रोड, वहीं से 500 मीटर की बस दूरी पे है, वहाँ से राइट लेना है, इधर जाएंगे हम लोग, चलिए लेकर चलते हैं। और ये रहा, तो ये रहा राम मंदिर जाने का रास्ता जो स्टेशन से जस्ट 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये जो आप सामने देख रहे हैं राम पथ है, ये काफ़ी डेवलप हो चुका है। देखिए सामने अगर आप सीधा चले जाते हैं तो सबसे पहले आपको मिलेगा राम जन्मभूमि जो आपको बना हुआ दिख रहा होगा, और उसके जस्ट आगे जाइएगा तो हनुमानगढ़ ही आएगा, और उससे आगे जाइएगा तो सरयू घाट जिसको बनाकर नया घाट का नाम दिया गया है। और मंदिर के जस्ट बाहर आपको बहुत सारा दुकान मिल जाएगा जहाँ पे पूजा का सामग्री सामान ले सकते हैं, प्रसाद वगैरह, लेकिन प्रसाद अंदर हम लोग ले जाकर चढ़ा नहीं सकते हैं, वहाँ पे अलाव नहीं है, बस हम लोग को वहाँ जाकर दर्शन करना है और वहीं पे प्रसाद मिलेगा जो कि रामदाना, वो आप ले सकते हैं लेकिन आप कुछ चढ़ा नहीं सकते हैं। और ये जो आप देख पा रहे हैं इधर यात्री शेड है जो ब्लू वाला था, और ये है रामपथ, लोग यहीं आते हैं और यहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे। जय श्री राम दोस्तों, तो मैं अभी आ चुका हूँ राम जन्मभूमि के मुख्य द्वार पे, यहीं से हम लोग एंट्री करेंगे, अंदर जाएंगे और काफ़ी भीड़ है आज, वैसे भी संडे है, संडे को देखिए कितना भीड़ है, आपको दिखाता हूँ सामने से, देखिए लंबी कतार लगी हुई है, साथ ही गेट के बाहर भी भीड़ है। और फिलहाल अभी ये कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है इसमें, इसके बावजूद इतना भीड़ है, सोचिए कि जब वो बनकर तैयार हो जाएगा पूरी तरह से इसके बाद का यहाँ का रौनक देखने लायक होगा। तो चलिए आपको लेकर चलता हूँ अंदर, तो यहाँ सामने से अंदर जाना है, और देखिए उस साइड से लोग वापस आ रहे हैं जो दर्शन कर लिए, तो हम लोग को एंट्री करना है तो इधर से एंट्री करेंगे। और वो जो आप देख पा रहे हैं शेड जहाँ पे दूर से आए हुए यात्रियों श्रद्धालु के लिए रुकने का व्यवस्था किया गया है, मतलब बैठने का इंतजार कर सकते हैं। और अब हम लोग यहाँ से अंदर जाएंगे, ये है कॉमन कि कोई भी व्यक्ति आएगा और यहाँ से एंट्री करेगा, तो हम लोग भी अब उससे एंट्री कर रहे हैं। और इसके जस्ट में राइट साइड में जो एक लाइन बना हुआ है वहाँ से पासेस वाले लोग जाते हैं जो कि बहुत ऑनलाइन कोई अलॉट कराता है या फिर ऑफलाइन जाकर वहां से पासेस लेता है, उस पासेस के थ्रू आप डायरेक्ट अंदर जा सकते हैं, सीधा आपको कोई रुकावट नहीं होगा, डायरेक्ट चेक पॉइंट पे जाकर चेकिंग कराइएगा और सीधा आप मंदिर के द्वार पे जाकर स्पेशली दर्शन कर सकते हैं। थोड़ा वेट आपको ज़्यादा देर तक टाइम मिल सकता है पासेस के थ्रू कि आप वहाँ पर 2-3 मिनट ज़्यादा भगवान जी का दर्शन कर सकते हैं। और आप और अगर आप नॉर्मल जैसे मैं जा रहा हूँ इस तरीके से जाना चाहते हैं कि जाकर सिस्टमेटिक वे से आप दर्शन करें, तो आपको इस टाइम पे स्पेशली गर्मियों के मौसम में आपको थोड़ा सावधान होकर जाने की ज़रूरत है, साथ ही पानी वगैरह। और ये आप देख पा रहे हैं सुग्रीव किला जो कि अभी बन रहा है। और बीच में आप थक जाएंगे तो वहाँ पर जाकर बैठ सकते हैं यात्री सीट में, अंदर बैग ले जाना, मोबाइल ले जाना, कुछ भी अलाउ नहीं है, बस चेकिंग तक ले जा सकते हैं, उसके बाद लाइन लगना पड़ेगा। देखिए सामने उधर दिख रहा होगा लाइन लगे हुए हैं वो लोग, और यहाँ पे चेकिंग पॉइंट है। जहाँ तक मैं ब्लॉग बना पाऊँगा दिखाऊँगा, उसके बाद आखिर आप लोगों को बस बता पाऊँगा, दिखा नहीं पाऊँगा। और यहाँ से हम लोग अंदर जा रहे हैं ताकि चेकिंग करा पाए, काफ़ी भीड़ है, देखिए पूरा सिक्योरिटी टाइट। और मैंने अपना सामान चेकिंग के लिए डाला था, बाहर निकल रहा है।
तो वहाँ से चेकिंग कराने के बाद अंदर जाएंगे आप। जब अंदर जाएंगे तो देखिए यहाँ पे भी एक शेड बना हुआ है, यहाँ पे भी बैठ सकते हैं अगर आप थक गए हैं, ज़्यादा धूप लग गया है। और इसके बाद सामने जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है वहाँ पे जूता चप्पल रखने का बनाया हुआ है, वहाँ पे आप अपना जूता चप्पल दीजिए, टोकन लीजिए, और वहाँ से लेने के बाद आपको वहाँ पे लॉकर में जाना है, और लॉकर में जाकर अपना जो भी सामान लाए हैं बैग वगैरह सब कुछ वहाँ जमा करना है। स्पेशली मोबाइल फ़ोन भी जमा करना है, अभी अलाउ नहीं है वहाँ पे। देखिए सभी लोग अभी जूता रख रहे हैं, तो मैं भी अपना जूता वहाँ पर जाकर रखूँगा जहाँ खाली मिले। काफ़ी भीड़ है आज, संडे का दिन है। और हमने अपना सामान यहाँ पर रख दिया है जो भी जूता है, और शूज रखने के बाद आपको इस प्रकार का टोकन मिलेगा। जूता चप्पल खोलने के बाद यहाँ पे हाथ धोकर अंदर जाना है। ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं ये है लॉकर, यहाँ पे आप अपना मोबाइल बैग जितना भी लग्जरी सामान है वो आप यहाँ रख सकते हैं, और रखना ही पड़ेगा क्योंकि यही यहाँ का रूल है। और पीछे अभी देखिए कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ है, जब ये पूरी तरह से तैयार होगा तो काफ़ी खूबसूरत लगेगा ये मंदिर। आइए आप सामने देख रहे हैं निकास द्वार है, जब उधर से हम लोग मतलब जमा करने के बाद उधर मंदिर अंदर जाएंगे तो फिर पीछे से दर्शन करने के बाद हम लोग यहीं से निकलेंगे। तो इसके आगे का मैं नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे मोबाइल जमा किया जा रहा है। तो अब मैं अंदर कैसा रहा सिनेरियो वो मैं निकलने के बाद दिखाऊंगा और बताऊंगा, सॉरी दिखा नहीं पाऊंगा, बताऊंगा कि अंदर क्या है कैसा है। तो चलिए मिलते हैं अब भगवान जी का दर्शन करने के बाद। लॉकर देखिए सभी लोग अपना अपना कैसे जमा कर रहे हैं। और ये लॉकर, यहाँ पर सबका सामान रख के ताला लगा दिया जाता है, जैसा कि देख रहे होंगे आप ताला लटका हुआ है। तो मैंने कर लिया है रामलला का दर्शन, देखिए वहाँ से लोग बाहर निकल रहे हैं, बाहर निकल कर इधर आ रहे हैं अंदर विश्राम सब हो गए। यहाँ पे विश्राम करने के लिए बनाया गया है, देखिए सारे लोग दर्शन करके आ रहे हैं, उचित व्यवस्था है यहाँ पे, बैठ सकते हैं यहाँ पे, पूरा कूलर वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, और नीचे भी लोग बैठे हुए हैं, इधर पानी का व्यवस्था है। और लॉकर था वहाँ पे, लॉकर से मैंने बैग ले लिया, मोबाइल ले लिया, तभी वीडियो शूट कर रहा हूँ। और ये सभी श्रद्धालु जो वापस आ रहे हैं दर्शन करने के बाद। यहाँ आकर राम जी से दर्शन करना इतना आसान नहीं है, लेकिन हनुमान जी से दर्शन करना बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे हनुमान जी नजर आएंगे, मोबाइल देखते छीनने लगते हैं, अगर आप कुछ खाते रहिए तो छीन लेंगे। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा, मैंने काफ़ी हद तक ट्राई किया, जहाँ तक मोबाइल लेकर जाया जा सकता था वहाँ तक कैप्चर करने की कोशिश किया और आप लोगों को बताने का कोशिश किया। तो अभी फ़िलहाल हो सकता आगे चल कर रूल चेंज हो जब पूरी तरह से बन जाएगा, अभी तो पूरा बना नहीं है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, अब मैं बस बाहर जाऊंगा, जूता लूंगा और बाहर निकल जाऊंगा। तो ये है लॉकर का पिछला पोर्शन,
आगे से जमा होता है और जस्ट उसी के पीछे जिस नंबर पे आप जमा कर रहे हैं, 1, 2, 3 जो भी नंबर पे, तो उसी के जस्ट पीछे देखिए नंबरिंग लिखा हुआ है, उसी के जस्ट पीछे से आप अपना सामान रिसीव कर सकते हैं। और ये निकास है, यहाँ से हम लोग बाहर निकलेंगे और बाहर निकलने के बाद फिर जहाँ पे शूज हम लोगों ने जमा किया था वहाँ से शूज का टोकन दिखाएंगे और अपना शूज वापस लेंगे। वहाँ भी जस्ट वैसा ही है, जहाँ से जमा करेंगे उसी के जस्ट पीछे से अपना जो भी शूज स्लीपर है वो वापस लेंगे। तो फाइनली अंदर से आ गए हैं, अब जा रहे हैं हम लोग अपना शूज वापस लेंगे। देखिए इधर से जाना है और पीछे की ओर से, इधर से सामने से शूज देना था और वापसी पीछे की ओर से था। उसी तरह लॉकर में था कि इधर से सामान जमा करना था और पीछे की ओर से लेना था। तो काउंटर नंबर है 7, थाला फॉर अ रीजन। जा रहे हैं अभी, काउंटर नंबर 7 आने वाला है। ये रहा 7। जाकर 11 नंबर काउंटर के नाम से जमा किया है मोबाइल वोबाइल, वहीं पे आ जाओ। अरे जी निकाल को के पास काट ले। सबसे मस्त ये चीज लगता है जब कोई खो जाता है, जब उसका घर वाला लोग बुलाता है। वो था एंट्री द्वार, अब हम लोग जा रहे इधर से बाहर। तो फाइनली अब आ चुके हैं बाहर। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।